आज हम लोग फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने सेडिमेंटेशन एडिटिव कॉग्रेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसके आगे का जो स्टेप होता है वेस्ट वाटर या वाटर को ट्रीट करने का, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। बेसिकली हम फिल्ट्रेशन का यूज किस पर्पज से करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में? तो जब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स, उनको हम स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। या जो भी हमारे सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, जो भी सस्पेंडेड या ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव करते हैं। इसके बाद जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन। इसमें हम जो फाइन पार्टिकल्स बचे रहते हैं सस्पेंडेड या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के बाद, उनको हम रिमूव करते हैं। फाइन पार्टिकल्स उनको बोलते हैं, उनको हम रिमूव करेंगे सेडिमेंटेशन एड विथ कोगुलेशन। बट इसके बाद भी हमारा जो वाटर होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। इसके बाद भी जो हमारा वाटर होगा वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा। इसके बावजूद कुछ जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, वो हमारे वाटर या वेस्ट वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में होता है, जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो हमारा बैक्टीरिया वगैरह है उसको हम रिमूव करते हैं अपने उसके नेक्स्ट स्टेप में। तो जो वेरी फाइन पार्टिकल्स होता है उसको रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अब जो फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है। जो टाइप्स होता है वो हमारा कितने टाइप्स का होता है फिल्ट्रेशन, बेसिकली होता है तो तीन टाइप का। जो जनरली हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो दो ही फिल्टर हम यूज करते हैं। पहला हमारा होता है स्लो सैंड फिल्टर, दूसरा होता है रैपिड सैंड फिल्टर, और थर्ड हमारा होता है प्रेशर फिल्टर। तो ये तीन टाइप के हमारे फिल्टर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर के बारे में। जो स्लो सैंड फिल्टर होता है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फिल्टर मटेरियल होता है उसके बारे में। फिल्टर मटेरियल किस किस मटेरियल का यूज करके इस फिल्टर को बनाया जाता है? तो सबसे पहला हमारा इसमें मटेरियल जो होता है सैंड। जैसे ये हमारा जो स्लो सैंड फिल्टर होता है, जब इसका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो होता है हमारा क्या होगा, बेस हम तैयार करते हैं। सबसे पहले ये हमारा बेस होता है, ठीक। देन उसके बाद हमारा परफोरेटेड पाइप होती है, ये हमारा परफोरेटेड पाइप होता है जिससे जो भी वाटर सैंड और ग्रेवल से फिल्टर होकर के आता है इस परफोरेटेड पाइप के द्वारा
कलेक्ट करके आउटलेट टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। देन उसके बाद हम इसमें परफोरेटेड पाइप के ऊपर हम ग्रेवल का एक लेयर लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है, ग्रेवल की लेयर होती है। ये हमारा हो गया ग्रेवल। ये ग्रेवल हो गया हमारा। ग्रेवल के ऊपर जो हमारा मटेरियल होता है वो होता है सैंड का। ये हमारा सैंड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सैंड। ये हमारा पार्ट होता है सैंड, ये होता है ग्रेवल, और ये होता है परफोरेटेड पाइप। परफोरेटेड पाइप तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन फिल्टर होता है। इसमें एक हमारा इनलेट चैम्बर भी होता है, ये इनलेट पाइप होता है, इनलेट पाइप। यहाँ से हम वाटर या वेस्ट वाटर को लीक कराते हैं, यहाँ पे वाटर स्टोर होता है। जब वाटर यहाँ पे फिल हो जाएगा, ये वाटर क्या होता है, सैंड जो है, उस सैंड से होते हुए वाटर क्या होगा, फिल्टर होगा, और वो सैंड से होते हुए फिर ग्रेवल में आएगा, ग्रेवल से फिल्टर होगा। देन उसके बाद जब ग्रेवल से हो जाएगा तो जो हमारा परफोरेटेड पाइप है ये, यहाँ से वाटर क्या होता है, कलेक्ट होता है। कहाँ पे, ये हमारा साइड में एक आउटलेट टैंक होता है, ये हमारा आउटलेट टैंक होता है, यहाँ पे पानी फिल्टर होकर के हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फिल्टर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो ये बेस होता है हमारा, ये बेस होता है, ये बेस जो बनता है वो हमारा कंक्रीट का बेस होता है, कंक्रीट का ये हमारा बेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन फिल्टर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब इसमें हम मटेरियल की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, सैंड होता है, जो सबसे पहले लेयर होती है। देन उसके बाद हमारा जो सेकेंड मटेरियल होता है वो हमारा होता है ग्रेवल का, ग्रेवल, ठीक। देन उसके बाद थर्ड हमारा जो मटेरियल होता है परफोरेटेड पाइप होता है, परफोरेटेड पाइप। उसके बाद एक हमारा होता है इंक्लोजर टैंक, इंक्लोजर टैंक, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को, ये हमारा इंक्लोजर टैंक होता है, ठीक है। इसमें हम फिर मटेरियल को फिल करके हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फिल्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके बेसिक मटेरियल और जिनका यूज हम करते हैं सोल्यूशन फिल्टर के कंस्ट्रक्शन में। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि अगर हमें कोई सोल्यूशन फिल्टर डिजाइन करना हो तो उसको हम कैसे काटते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसका यूज हम करते हैं सोल्यूशन फिल्टर के डिजाइन में। एक और चीज, जब हम सोल्यूशन फिल्टर से वेस्ट वाटर या वाटर को ट्रीट करते हैं, वेस्ट वाटर या वाटर का ट्रीट करते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें जो बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी होती है, बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। बैक्टीरिया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होते हैं, बट जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। इसीलिए हम स्लो साइज फिल्टर को प्रीफर नहीं करते हैं बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके लिए हम रैपिड साइज फिल्टर को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि अगर हमें कोई सोल्यूशन फिल्टर डिजाइन करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं। तो उसको डिजाइन करने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनका यूज हम करते हैं कंस्ट्रक्शन करने में सोल्यूशन फिल्टर के, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो कुछ इसमें फार्मूले हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी हमें सोल्यूशन फिल्टर डिजाइन करना होगा उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें गिवेन जो डेटा होगा, हमें पॉपुलेशन गिवेन होगा, पॉपुलेशन गिवेन होगा, उसके बेसिस पे हमें क्या करना होगा, एवरेज डेली डिमांड कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हम एवरेज डेली डिमांड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एवरेज डेली डिमांड कैलकुलेट करने के बाद हम मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एवरेज डेली डिमांड अगर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जितनी हमारी पॉपुलेशन गिवन है मल्टीप्लाइड बाई पर कैपिटा डिमांड। तो पॉपुलेशन हमारी गिवन होगी, पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड, यहाँ से हमें एवरेज डिमांड पता चल जाएगा। फिर मैक्सिमम डेली डिमांड जो होगा वो हमारा कितना होता है, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। एवरेज डेली डिमांड की वैल्यू हमें इस फार्मूले से पता चल जाएगी। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर,
सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर इक्वल टू होता है हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे। ठीक, देन इसके बाद हम जो हमारी लेंथ होती है वो जो लेंथ होगी वो विड्थ की डेढ़ गुनी या दो गुनी होती है हमारी लेंथ, जितना भी विड्थ आएगा उसका डेढ़ गुना या दो गुना होगा वो हमारी लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ भी कैलकुलेट करते हैं और वी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले यूज होंगे स्लो सैंड फिल्टर के डिजाइन, स्लो सैंड फिल्टर के डिजाइन में इन फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड इन्वेंटरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, डिजाइन सिक्स स्लो सैंड फिल्टर, डिजाइन सिक्स स्लो सैंड फिल्टर बेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, बेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या डेटा गिवन है हमारा, पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन हमारा गिवन है 50,000 पर्सन, पर कैपिटल डिमांड हमारा गिवन है, पर कैपिटल डिमांड इक्वल टू 150 एलपीसीडी, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारा गिवन है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 180 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर, देन लेंथ ऑफ ईच बेड गिवन है, लेंथ ऑफ ईच बेड इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ, ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, ये डेटा हमारा गिवन है और इसमें क्या क्या आया कि एज्यूम, एज्यूम मैक्सिमम डिमांड एज, मैक्सिमम डिमांड एज 1.8 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड, टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड। ऑल्सो एज्यूम, ऑल्सो assume that one unit out of six will be kept as standby। ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें हमें क्या करना है, सिक्स स्लो सैंड फिल्टर का हमें डिजाइन करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या क्या डेटा दिया गया है। क्वेश्चन में हमारा पर कैपिटा डिमांड है 50,000 सॉरी 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब हमारी पॉपुलेशन है 50,000। अभी हमने बताया है कि सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड। फर्स्ट हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड, ये हमारा होता है एवरेज डेली डिमांड का फॉर्मूला। पॉपुलेशन क्वेश्चन में हमारा कितना दिया है, 50,000 है, ये हमारा होता है 50,000 इंटू पर कैपिटा डिमांड हमारा कितना है 150 है, 1% अगर 150 है 50,000 लोगों को कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी क्या, 7.5 × 10⁻⁶ लीटर पर डे, यह हमारा होगा एवरेज डेली डिमांड। देन उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड हमारा क्या होता है, जो एवरेज डेली डिमांड होता है उसका 1.8 टाइम्स जो होता है वो हमारा होता है मैक्सिमम डेली डिमांड, क्या होगा 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, डेली डिमांड वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, हमने यहाँ कैलकुलेट किया 7.5 × 10⁻⁶ लीटर पर डे, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 13.5 × 10⁻⁶ लीटर पर डे, ये हमारा हो गया मैक्सिमम डेली। और हमें क्या पता चल गया, मैक्सिमम डेली डिमांड एवरेज डेली डिमांड दोनों पता चल गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, रेट ऑफ सॉरी टोटल सरफेस एरिया जो हमने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले को यूज करके टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर बेड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर बेड, फर्स्ट फॉर्मूला में क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब मैक्सिमम डेली डिमांड अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया था, 13.5 × 10⁻⁶ लीटर पर डे डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, हमारा क्वेश्चन में दिया है 180 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, तो आवर को हम क्या करेंगे, डे में कन्वर्ट कर देंगे, अभी जो हमारे यहाँ डे पे डे 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 है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 180, अब इसको आवर में है तो जब डे में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसकी यूनिट हमारे किसमें हो गई, लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, हमारा लीटर पर डे मीटर पर डे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपन सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया की यूनिट हमारी किसमें होती है, मीटर स्क्वायर में, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.125 × 10³ मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको और कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 3125 मीटर स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा जो हमारा फिल्टर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसमें
बात करेंगे जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में जो कंडीशन है, ये जो हमारा एरिया है ये तो हमारा टोटल 36 एरिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एज्यूम दैट वन यूनिट आउट ऑफ सिक्स विल बी केप्ट एज स्टैंड बाय, यानी कि हमें टोटल 5 यूनिट डिजाइन करना है, क्योंकि एक यूनिट हमें क्या करना है केप्ट एज स्टैंड बाय है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे 6 की जगह पे 5 यूनिट भी डिजाइन करेंगे। तो अगर हमें टोटल सर्फेस एरिया पता है, इस टोटल सर्फेस एरिया में अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमें एक यूनिट का एरिया पता चल जाएगा। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट, एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया हमें पता है कितना है, 3125 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। अब 6 यूनिट डिजाइन करने के लिए बोला गया है, लेकिन उसमें नीचे कंडीशन दिया है कि आल्सो एज्यूम दैट वन यूनिट आउट ऑफ सिक्स विल बी केप्ट एज स्टैंड बाय, सिक्स में एक यूनिट ऐसा है जिसको हमें केप्ट एज स्टैंड बाय रखना है, तो उस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो वैल्यू आएगी कितना है, 625 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एक फिल्टर यूनिट का एरिया हो जाएगा। तो एक फिल्टर यूनिट का एरिया 625 मीटर हो गया, तो 5 फिल्टर यूनिट का हमारा कितना होगा, 5 फिल्टर यूनिट का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 625 जब हम करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी 3125 मीटर स्क्वायर। जो हमारी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यही सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ की जो वैल्यू है, जहाँ पर हमें पता चल गया एक फिल्टर यूनिट का भी एरिया हमें पता चल गया। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ और विड्थ का कैलकुलेट करना है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसमें लेंथ और विड्थ का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच यूनिट, ऑफ ईच यूनिट। अब चूंकि क्वेश्चन में कंडीशन है जो लेंथ हमारा है हर एक यूनिट का, लेंथ ऑफ ईच ब्रेथ इक्वल्स टू जो है हमारा किसके गुना है, विड्थ क्या 2 गुना यानी 2b है। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू हमारा कितना है, 2b है। अब चूंकि हमें पता है कि जो हमारा टैंक है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ विड्थ और एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया को हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। अब चूंकि हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एक यूनिट का अभी हमने एरिया कैलकुलेट किया कितना आया था, 625 मीटर स्क्वायर था, और एल इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है, 2b है, यहाँ क्या होता है 2b। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 320.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17.7 मीटर, या इसको कह सकते हैं 18 मीटर। अब यहाँ बी की वैल्यू हमें पता चलेगी कितना, 18 मीटर। अब चूंकि हमें पता है बी की वैल्यू
बी का दोगुना जो होता है वो क्या होता है लेंथ होता है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 मीटर। तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 36 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया लेंथ हमारी कितनी आई 36 मीटर हो गई, बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 18 मीटर हो गई, और एरिया इक्वल टू हो गया हमारा 625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका है एक यूनिट का डायमेंशन है, वन यूनिट का डायमेंशन है। अब वन यूनिट का जो डायमेंशन होगा वही हमारा क्या होगा बाकी 5 यूनिट का भी डायमेंशन सेम हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ ईच मीटर का जो साइज है वो क्या हो जाएगा लेंथ 5 के लिए 36 मीटर होगा और बी की वैल्यू कितनी होगी 18 मीटर होगी और एरिया इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सुएसन फिल्टर का न्यूमेरिकल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सुएसन फिल्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।